बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सबसे पहले प्रणाम करूंगा। इट्स नाइस, सुन रहे हो बेटा? इतना तो तेरे बॉय को बोल नहीं मैंने बोल। काले करते हम 10 साल और जवान हो जाते हैं। ये बात तो सही है माँ, ये बात तो सही कही है सीमा ने। देख रही सीमा? मुझे नहीं देखना। तू यही कह, जब हम चले जाएंगे घूमने तो मैं यहाँ पर जी। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका कुकुरेटी फैमिली के एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह। और बस दोस्तों मैं हूं किचन में। क्यों हूं किचन में? क्योंकि आज है संडे और संडे को बन रहा है मैगी। मैगी निकाल के मेरे ख्याल से सीमा ने रखी हुई थी, उसको मालूम है लाइव कर रही है तो उसको मालूम है कि जो मैं हूँ वो कुछ चीज़ जानता हूँ बनाना। दो तीन चीज़ें तो उनमें से एक मैगी है, तो उसने पहले से निकाल कर रख दी थी तो सुनाते हैं। और मैगी का नाम लिया, खांसी भी आ गई अंदर से। मेरे पापा मुझे मैगी खानी है ना? दस मैगी खाओगे? कितनी? वन टू वन खाओगे? चलो ठीक है, वन मैगी बना देंगे आप लोग के। और बस दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम जो कमिंग वीक है इसमें दो तीन दिन के अंदर जो है उत्तराखंड निकलने वाले घूमने के लिए, तो उसके लिए ही टू है बच्चे लिखा है, टू मिनट्स बन जाएगी तो घूमने वाले हैं, तो उसके लिए ही पैकिंग वैकिंग करनी है। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को आगे आगे कि क्या क्या सब कुछ करते हैं और दिखाते हैं आप सभी लोगों को आगे। तो पूरा आप लोग 200 जरूर देखना। सीमा भी आने वाली है, उसका 11 बजे खत्म हो जाएगा और अभी टाइम हो रहा है 10:30। दिखाते हैं आपको आगे आगे। शंभू उठ गया। उठ गया शंभू? अंधेरे में क्या देख रहा हो? हेलो। ये लो भैया लाइव करके भी आ गई। लाइव करने के लिए करना पड़ता है, ये लाइव है। एक बात बताओ, तुमने लाइफ पे जाने से पहले यहाँ तुमने मैगी छोड़ के गई थी ना जानबूझ के? क्या जानबूझ के? ताकि अगर मेरे माइंड से अगर स्किप भी हो गया तो मैं देख लूँ और बना लूँ उसको। मैं पता मैगी इसलिए छोड़ के गई थी, मैंने कहा ये दोबारा से कहीं अंडा भुजिया ना खिला दे। क्योंकि छोड़ते ही अंडा भुजिया बना दे, मुझे पता था आज तुम बनाएंगे क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी, तो इसलिए मैं मैगी का पूरा पैकेट दोस्तों यही रख के चली गई थी, ये वाला सामने गैस के। मैंने कहा ये बना दी, मुझे पता है मैगी मैगी और अंडा मुझे यही आता है इनको बनाना, मैंने आज मैगी की वैरायटी खा ली। अब मैंने कहा कहीं तुम ये ना सोचो मैंने कुछ भिगा भुगा के रखे थे, देखा होगा तुमने ये देखा था मैंने दिन के लिए ना। हाँ राजमा बनाऊंगी आज। थैंक यू, धन्यवाद मैगी बनाने के लिए, बहुत भूख लग जाती है इस टाइम को लेके। चलो बाकी सीमा तुमने जो कपड़े लेके जाने बच्चों ने निकाल दिए ना, बहुत अच्छी बात। बस सभी दोस्तों नीचे आ गए हैं और सुबह से अभी मिला टाइम ब्लॉग बनाने का। और ये देखो बच्चों की मस्ती आते ही नीचे शुरू हो चुकी है। अच्छा कहाँ चली गई वो? इधर। अच्छा और इसी बीच ये कैप्टन साहब आ गए हैं। कैप्टन नहीं बोलते, इसे कप्तान बोलते हैं। कप्तान ड्रेस? तो कप्तान ड्रेस पहन रखी है भाई, क्या बात है। पर हाँ ये भी कंफर्म हो गया कि हम लोग जो हैं कल निकलने वाले हैं, तो कल फिक्स हो गया है। और अभी तक जो बना है प्लान वो बना है प्लान या उसको प्लान बोले, वो बना है जाने का चक्राता। चक्राता जो कि उत्तराखंड में है, पहले बन रहा था प्लान हमारा अल्मोड़ा और रानीखेत का, नैनीताल साइड का। तो फिर ये सोचा कि यार बच्चे हैं साथ में और क्या है कि थोड़ा दूर हो जाएगा, तो चक्राता जो है ज़्यादा दूर नहीं है फिर भी कंपेयर टू अल्मोड़ा और रानीखेत उससे पास में है, तो सोचा कि वो ज़्यादा सही पड़ेगा। तो कल में भी हो सकता है कि मॉर्निंग में निकले हम लोग। ये मेहंदी अंदर रखी है मम्मी, अरे ले आया मेहंदी आपकी। सुनमा मेहंदी भी लिया है, वो भी ले आया जिससे कि आपको वो नहीं होगी वॉमिटिंग उल्टी होती है। हाँ वो तो शायद तुम्हें भी जरूरत है उसकी बहुत ज्यादा। वो इस टाइम कल तो उत्तराखंड में होगा, खुशी हो रही है, कम होता है क्या 5 साल के बाद जाना? भाई तो बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सबसे पहले प्रणाम करूंगा। चल बहुत पापड़ वेले मैंने इस दिन के लिए। मैं कह रही शंभू पी रही है। अच्छा ओ शंभू पानी पी रहा है, मम्मा शंभू घूम फिर के आ गए हैं ऊपर। और ऊपर आने के बाद काशी के पास है कुछ दिखाने के लिए, क्या बात है। करो पहले कॉपीराइट लगेगा, बिल्कुल यूज करना बहुत जरूरी है भाई। दिखाओ भाई काशी क्या मंगाया है आज, तेरे दिखाओ। मैं काशी रेडी
अच्छा काशी के लिए है ये, दिखाओ फिर क्या है। अच्छा काशी पूरी थी लिखा हुआ है, क्या बात है। देखने की नहीं हो रही अभी। ए भगवान आ गए बोंट है देखो किसका लगे चल रहा है सांप लौट गए। ओए पापा वाओ क्या जूते हैं। हां का छोटे मस्त आ रहे सूट तेरे तो यार। बेटा थोड़ा पैर आगे डालने का कष्ट करो। सही रहेगा वहां के लिए। कैसा है टाइट तो नहीं है? टाइट नहीं है। नहीं है ना। साइज देख के मंगाया बेटा। वाओ क्या शूज है, कंफर्टेबल है। बड़ा है और दिन में ज्यादा बड़ा है। काशी ठीक है, सूज अच्छा है आपका बहुत। काशी वो लग रहा है आपको बड़ा, बड़ा नहीं है वो। उसको भी चाहिए कुछ। बच्चा पता नहीं सूज क्यों पसंद आते हैं। बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है वो। चलो बस दोस्तों फिलहाल सूज अभी दिखा दिए, दिखाते हैं आपको अभी। सच यकीन मानिए कल हमें निकलना है और कुछ भी, अभी तो बैग भी फाइनल नहीं हुआ कौन सा ले जाना है, तो पहले बैग फाइनल करो ताकि मैं बच्चों के तो रखूं जो वो निकाल रखे। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, वो कभी होते भी नहीं है। चलो तो कुछ बताऊँ उस पहले दिखा देता हूँ टाइम आपको कितना हो रहा है। टाइम हो गया यहाँ पे 11:15 और सीमा बस सोने के मूड में है अब, और यहाँ दादी आ चुकी है बच्चों के साथ में। 10 साल और जवान हो के आ रही है। हाँ मेहंदी, मेहंदी लगा दी थी, क्या बात है। ये बात तो सही है वहाँ, ये बात तो सही कही है सीमा ने। जवान बालों से तो बनी होता है, फेस भी तो आपका अच्छा है। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड में। हाँ पर ये है अपडेट जो कि आपको सीमा देगी, हमें दीजिए अपडेट। हाँ बच्चों की स्कूल खुलने वाली है, अब जा रहे हो तुम बल। हाँ तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में जैसा कि आप लोगों को पता ही, न्यूज वगैरह आपने देखी होगी, बहुत रस्त था उत्तराखंड, हर जगह उत्तराखंड में क्या हिमाचल, हर जगह तीर्थ स्थल थे जितने भी वहाँ सब। और जैसे ही मुझे लगता है ना छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो सारे के सारे उत्तराखंड ही भागते हैं, हिमाचल उत्तराखंड। तो इतना रश हो रखा था दोस्तों कि पूरा ट्रैफिक से घंटों घंटों जाम था। तो टच वुड हम नहीं गए उस टाइम पर, हमको पता भी था, इसलिए हम लास्ट हफ्ते का इंतजार कर रहे थे, महीने का। सारा होमवर्क वगैरह करा दिया, स्कूल ओपन होने में भी पूरे 10 दिन बाकी है। तो दोस्तों इस टाइम पे जाएंगे अच्छा भी रहेगा, जब सारे खाली होगा थोड़ा बहुत इस टाइम पे, ज्यादा नहीं कह सकते कि ज्यादा खाली हो, पर थोड़ा बहुत तो होगा कि हमें स्पेस मिल सके उत्तराखंड में जाने का। सही बात है, इसलिए हमें अच्छा हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया। बड़ी बात, इस बार बहुत गर्मी पड़ी है, उत्तराखंड में भी बहुत गर्मी थी इस बार, जो कि इतना ठंडा प्रदेश है वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। तो सही हुआ कि हम उस टाइम भी सही डिसीजन लिया, इस हफ्ते जाएंगे हम। तो इस हफ्ते में कब जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दोस्तों मंगलवार को, मंगलवार को जा रहे हैं। और दोस्तों ये मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, एक दिन और मिल गया तैयारी करने के लिए। अभी पहुँच पहुँच हो रहा था, पर सही है एक दिन और मिल गया, थोड़ा रेस्ट लेके चलेंगे, मॉर्निंग में निकलेंगे। दोस्तों साथ में रहिएगा, आपको उत्तराखंड की सैर कराते, जो लोग नहीं जा पाए इस बार उत्तराखंड, उनको उत्तराखंड की सैर कराएंगे अपने। चलो भैया ब्लॉग ऑन कर दें। हाँ जी चलो दे दो बस। काशी ब्लॉग एंड कर दो, आप करो ब्लॉग को एंड। कैसे करते हैं ब्लॉग को एंड? जैसे बाबा जय शंभू, जय शंभू, शंभू के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। शंभू हेलो कर दो सबको, हेलो। ओए होए होए होए, ठीक है ठीक है, हेलो कर दिया। और आज है दोस्तों नाश्ते की शुरुआत, प्याज का पराठा और चाय। तो शुरुआत हो चुकी है नाश्ते की, बस करते हैं नाश्ता और दिखाते हैं आपको आगे आगे। हाँ कर दिया सर, सर हिला दिया, अब वो बोल दिया सर हिला के, हाँ चाहिए। मेरा डर। और मम्मी जी कैसे हो? कैसे हो? बाल काट करके तैयार होके बैठे हो?
नैनीताल पहुंचे निकल तो इस टाइम तक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। चल फिलहाल मैं जिम निकलता हूँ और फिर दिखाते हैं आपको आने के बाद का वीडियो। चल हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ये ब्लॉग है वो दो दिन का है और देखो काशी बोले देखो सूज है। तो क्या है कि कल जो काशी के लिए सूज मंगाए थे वो काशी कह रही मुझे अच्छे नहीं लगे, तो वो रिटर्न करके अभी काशी के लिए दोबारा से नए सूज मंगाए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको काशी को। मेरे दिखाने से पहले ही काशी ने उसको ओपन भी कर दिया। भाई खोल खोल इसको खोल, पता नहीं यार इसको ये पसंद आएगा नहीं आएगा। बहुत चूजी हो गई है, बहुत ज़्यादा। एक इसकी माएँ जो दे दो वो पहन लेती है। मैं खोलूँ? मैं खोलता हूँ, देखो बस इसको खोल लेते बस इसको बस खोल। कितनी सुंदर है, अच्छे लगे। चलो काशी अच्छा लगे आपको? हाँ निकाल दो उसको, कोई बात नहीं। शंभू कैसे देख रही है? शंभू मेरा छोटा बच्चा कैसे देख रहा है उसको? उसके लिए बच्चा बाहर आना पड़ेगा आपको। सीमा वही तो कह रहा हूँ, कल जैसे इसको सूझ आए ना पापा ये तो बड़े हैं, मैं तो छोटा हूँ अभी। मैं तो छोटी हूँ, बड़े ले आए हम। अब इसमें देखो कितने अच्छे मशरूम बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा ना, कलर भी बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। ये सूज मैंने से कल दिखा के मंगाए कि तू देख ले पहले। मेरा बच्चा मांग रहा है, कह रहा मेरे पैर में एक्शन पूरे करती है वो, अपनी बात समझाने के लिए। ये लाइव देख रहे हो आप, ये ऐसे होता है इनका। वैसे तो शेयरिंग करती है वो। ये इतना बड़ा है और उसके पैर कितने छोटे, आ जाएंगे उसके पैर में, कहाँ आ जाएंगे? वो सिर्फ खेल रही है काशी। तो दोस्तों काशी दो मिनट चुप हो जाए, दो मिनट चुप हो जाए ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कल सुबह, कल सुबह निकल रहे हैं हम यहाँ से 4 बजे। और कौन कौन जा रहा है? मैं, सीमा, दोनों बच्चे, मम्मी पापा और हमारे साथ जा रहे हैं आशीष भाई। तो ये है हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग का जो प्लान हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड में मसूरी साइड, चकराता साइड, जिधर धनोल्टी है। तो उधर मैं कभी गया नहीं हूँ। हाँ देहरादून तक गया हूँ लेकिन देहरादून से ऊपर कभी गया नहीं, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वो चलेगा आपको कल के ब्लॉग में मालूम। तो बस दिखाते हैं आपको आगे आगे। फिलहाल अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और हम लोग जा रहे हैं नीचे घूमने के लिए। और 5:30 बज रहे हैं अभी। इतनी अच्छी हवा और घर के अंदर हो रही है, इतनी उमस देखिए कितना पसीना आ रहा है। सही में बिंदी लगा रही हूँ, सुबह से 7-8 बार बिंदी गिर जा रही है। पिंक से तो नजर हटी, पहले पिंक ही चाहिए होता था हर टाइम, अब उसको वैरायटी चाहिए होती है कलर में। तो दोस्तों वैसे तो इनके पास ब्रश है पर मैं सोचूं कभी बॉटल्स वगैरह हम चेंज करें और ये इधर से उधर कर दे ब्रशों को। तो ये ना ऐसे ये पैक आए थे, तो ये मतलब क्वालिटी इनकी भी अच्छी है पर जो ये अभी यूज कर रहे हैं उनकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो हमने बोला ऐसे ये वाले ब्रश ले जाइए। सब तो रे विच वन? नहीं सारे नहीं ले जाने बाबू, वन मांगो, वन वन। इसमें से कौन सा कलर चाहिए आपको? देखो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, विच वन? कोई नहीं सारे ले, कोई बात नहीं सारे ले लेते। भैया ऊपर आ चुके हैं और इतना मजा आ रहा है ना, गोली आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 बॉल पे 3 छक्के और 1 चौका। देख रही सीमा? मुझे नहीं देखना। तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और बस दिखाते हैं आपको आगे आगे। फिलहाल तो पैकिंग चल रही है और यहाँ मैच का लिया जा रहा है आनंद। कुछ भी नहीं निकाला अभी तक इन्होंने, टी शर्ट तक नहीं पैक करने के लिए। कोई बात नहीं हो जाएगी, मेरी पैकिंग भी हो जाएगी। दिखाता हूँ शंभू हो गया रेडी, जाना हमको कल सुबह है लेकिन यहाँ पे शंभू जो है अभी रेडी हो गई है क्योंकि सुबह निकलना है हमें अर्ली मॉर्निंग। तो उस टाइम टाइम तो होगा नहीं, काशी को बना देंगे सुबह सुबह, लेकिन शंभू को बस ऐसे सुला देंगे अभी और फिर निकल जाएंगे सुबह वाली गाड़ी से।
सुलाना नहीं है बच्चा आपको, सो आप सो गए? मुझे डांस करना, अभी से डांस करना। ठीक है, डांस करना है अभी? हाँ, रोज रात में डांस करते हैं सोने से पहले। तो बस दोस्तों, रात का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, ये पूरा बैग हो गया पैक, दो बैग और हैं, और यहाँ पे चल रहा है मैच, जो कि बस इंडिया ऑलमोस्ट जीत ही गई, एक बॉल पे चाहिए कितने रन, मेरे ख्याल से 20-21 के आसपास हैं। तो बस इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड। इस जीत से अच्छी और क्या होगी, वर्ल्ड कप की हार भुलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भारी हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से, है ना काशी? बाय बाय कर लो। बाय बाय। बाय बाय। बोल, हम मिलेंगे आपसे गाँव में। गाँव में। चलो बाय बाय।